जय मां अम्बे। शारदीय नवरात्र 2021 का शुभारंभ 7 अक्टूबर यानी आज से हो गया है। अगले 9 दिन तक माता जी की पूजा की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन ही मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनको पर्वतराज हिमालय की बेटी भी माना गया है। मां शैलपुत्री बैल की सवारी करती हैं और इनके माथे पर चंद्रमा शोभावित होता है। मां को सफ़ेद रंग से लगाव है। उनकी पूजा में सफ़ेद फूल और मिष्ठान रखे जाते हैं। वहीं उनकी पूजा में पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। मां को देवी सती और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र की पूजा के व्रत कथा पढ़ने का विधान है मां शैलपुत्री व्रत कथा। तो आरम्भ करते हैं उनकी कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका ये शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थित इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाने हाथ में कमल पुष्प शोभावित है। यही नव दुर्गों में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष जी ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। इससे उन्होंने सारे देवी देवताओं अपना अपना यज्ञ प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया, किंतु शंकर जी को इन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। सती जी ने जब सुना कि हमारे पिता एक उत्पन्न विशाल यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने की लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने प्रजापति दक्ष किसी कारणवश इसे रुष्ट हुए। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया। अपने यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किस प्रकार भी श्रेष्ठ नहीं है। शंकर जी ने इस उपदेश से सीता जी को प्रबोध किया। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी विरक्तता इस प्रकार की कम ना हो सकी। उनका प्रलवाग्र देखकर भगवान शंकर जी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेर रहे हैं, केवल उनकी माता ने स्नेह और उसे गले लगाया। बहनों ने की बातों में और उपवास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनको मन में बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने ये देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये देखकर सती जी को हृदय क्षोभ ग्लानी और क्रोध से सतमन हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की कि अपने पति भगवान शंकर हम अपमान मन को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग्यानी द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ब्रजपात के समान इस दारुण दुख घटनाओं सुनकर शंकर जी क्रोध हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष ने वहां दक्ष के उस यज्ञ का प्रबल करा दिया। सती ने योगी द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैल्य राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैल्य पुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती जी हेमवती भी हैं, उनके नाम हैं। उपनिषद की कथा अनुसार उन्होंने हेमवती रूप से देवताओं का गर्व भजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस समय में विवाह शिवजी जी की अर्धांगनी बनी। नव दुर्गों के प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्ति का त्यन है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते यहीं से उनकी योगस्थाना प्राप्त होता है। जय माता दी।